नाम मैं राज त्रिपाठी जिला जौनपुर से। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज बात करूंगा मैं उन बारे में जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की बात करते हैं। जी हाँ, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली जंतर मंतर पर एक ग्रुप पूरा का पूरा एक विशेष धर्म समुदाय को टारगेट करके देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है और साथ ही साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये किसके इशारों पे भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, या नारे लगवाया जा रहा है या नारे लगवा जा रहे हैं? आखिर किसके इशारों पे ये नारे लगवाए जा रहे हैं, मेरा सवाल है। मैं एक बार उस वीडियो को दिखाना चाहता हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, देखिए एक बार इस वीडियो को। ये जो लोग भी हमारे देवी देवताओं के आस्थाओं के लेकर के लोगों के मन में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत भरने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं मान्यवर, और आपका ये तरीका बिल्कुल असंवैधानिक है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि जब जब देश व प्रदेश में चुनाव होते हैं, तब तब इसी प्रकार के भड़काऊ नारे लगा करके हिंदू मुस्लिम कराया जाता है, जिससे देश के लोगों का नुकसान होता है। ये कौन है, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसकी जो सरंगना है, जो इसके हेड है, वो पिंकी चौधरी, उसका एक वीडियो कल मेरे पास आया, वो क्या बोल रहा है उसको एक जवाब देना चाहता हूं मैं। इससे पहले, जवाब देने से पहले, मैं उसकी एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। उसकी वीडियो आप देखिए, वो क्या कह रहा है, और आप लोग बताइए क्या ये देश हित में सही है, क्या ये देश हित में सही है वीडियो? ये भड़काऊ भाषण देकर लोगों के मन में प्रति क्या फैलाना चाह रहे हैं, क्यों दंगा कराना चाह रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं। अरे उस पिंकी चौधरी से भी पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग पहले इस वीडियो को देखिए, बताइए क्या कितना सही है ये। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये इस भीड़ को गलत रास्ते पर ले जाता पिंकी चौधरी, ये हिंदुत्व का ठेकेदार बताता है, ये महानुभाव इस्लाम को खत्म करने के चक्कर में पड़े हैं और इस्लाम खत्म करना चाहते हैं। अरे पिंकी चौधरी, एक तो तेरा नाम भी साले लेडीज जेंट्स से मिलाप के बिना बना है। मैं तेरा नाम सुना, मुझे लगा कि तू कहीं जनाना होगा, लेकिन तुझे देखने के बाद मेरा डाउट क्लियर हुआ। और दूसरी चीज, तू इस्लाम को खत्म करेगा, तेरे जैसे 75 आए 75 गए, तेरे जैसे लोग मिट भी गए, ना कोई हिंदू धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचा पाया है और ना ही इस्लाम को कोई खत्म कर पाया है। तुम लोग जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो, हमारे युवा भाइयों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे वालों, समझ जाओ, तुम मुल्लों को काटे जाओगे, तुम मुल्ले को काटोगे, हमारे मुसलमान भाइयों को तुम काटोगे। अरे तुम्हारे काटने से पहले हम जैसे हिंदू भाई सामने खड़े हैं, तुम क्या काटोगे? जब जब चुनाव आता है, तब तब ऐसे लोग बिल से बाहर निकलकर हिंदू मुस्लिम पूरा कराना चाहते हैं और सरकार देखती रहती है इन लोगों को, पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। तो क्या मैं मान लूं कि ये सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते हैं? ये सारे के सारे काम सरकार के इशारों पर होता है। गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम करने वाले ऐसे पिंकी चौधरी जैसे बहुत हजार हैं, आप लोग इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? ये लोग बराबर देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की बात करते हैं, लेकिन आप लोग
इनका सिर्फ तमाशा देखते हैं, इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। और वहीं अगर देश के नीतियों, सरकार के नीतियों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ अगर कोई सामाजिक व्यक्ति आवाज उठाता है तो तुरंत आप उन पर तत्काल एक्शन लेकर आप उनको जेल भेजने का काम करते हैं। आप पूरे, मैं पूरी देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि जेल में कौन लोग होने चाहिए? वो सामाजिक व्यक्ति होने चाहिए कि जो देश के बारे में आवाज उठा रहे हैं, कि ऐसे लोग जेल में होने चाहिए जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को गुमराह करने की बात करते हैं। और वाले पिंकी चौधरी को बोल देना चाहता हूं, हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हो, पहले अपनी रक्षा कर लो, पुलिस खोज रहे, कहां छुप के बैठा है रे तू? पुलिस खोज रही है, कहां बैठा है छुप के? कदम हो तो आओ सामने, बहुत बड़े ठेकेदार बनते हो के, लोगों को भड़काने का काम करते हो। सुधर जाओ, किसी दिन सुधार दिए जाओगे बता रहे हैं, मौका नहीं मिलेगा। और जो ये हमारे देश के लोगों को बांटने का काम कर रहे हो ना, अब मैं राज त्रिपाठी बता रहा हूं, कभी मिल मत जाना, हम बता देंगे हिंदुत्व क्या होता है। हिंदुत्व का हा भी तुम्हें नहीं पता होगा। और जो हमारे धर्म को तुम बदनाम करने चले हो, हमारे श्री नाम के नाम को बदनाम करने चले हो, और तुम क्या उखाड़ पाओगे किसी का? पहले अपना देखो। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, पिंकी चौधरी तक मेरी बात पहुंचाइए। और पिंकी चौधरी सुधर जाओ, इतने काम हो ना तो सामने आओ, आमना सामना करते हैं, ये छुपकर वार क्यों करते हो? पुलिस खोज रही है, पहले जाओ, आपके कितने साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, पहले उनको बचाओ। सभी साथियों से निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए। ये लोग जब जब देश को बांटने का काम किया है, देश हमारा खतरे में पड़ा है, लेकिन इन लोगों के मंसूबे को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो पाल कर रखे हो, आप लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हो। हम गंगा जमुनी तहजीब को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।